दोस्तों साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई सुपरस्टार हैं जिनकी लगभग सभी फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता आ रहा है। इनमें से अल्लू अर्जुन और महेश बाबू का नाम सबसे ऊपर आता है। पिछले कई सालों से ये दोनों साउथ फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। यही वजह है कि इनकी फैन फॉलोइंग विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा है। आज की इस वीडियो में हम अल्लू अर्जुन और महेश बाबू की पिछली 5 फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि बॉक्स ऑफिस का असली किंग कौन रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं फिल्मी फ्राइडे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्लू अर्जुन के बारे में। दोस्तों स्टाइलिश सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग किसी भी बॉलीवुड सुपरस्टार से कम नहीं है। इनकी पिछली 5 फिल्मों के बारे में बात करें तो इन फिल्मों में रुद्रमा देवी जो साल 2015 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ अनुष्का शेट्टी और राणा दग्गुपति भी नजर आए थे। दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, हालांकि इस फिल्म में अल्लू अर्जुन ने सपोर्टिंग रोल निभाया था। इसके अलावा दूसरी फिल्म थी सराय नोडू, ये फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ रकुल प्रीत सिंह भी नजर आई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। इसके बाद साल 2017 में रिलीज हुई थी फिल्म डीजे, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के साथ पूजा हेगड़े भी नजर आई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इसके बाद चौथी फिल्म थी ना पेरू सूर्या। दोस्तों ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। इसके अलावा पांचवी फिल्म थी अला वैकुंड पुरमुलो, ये फिल्म साल 2020 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में अल्लू अर्जुन के अलावा पूजा हेगड़े और तब्बू भी नजर आई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें महेश बाबू की तो साउथ के प्रिंस कहे जाने वाले महेश बाबू की फैन फॉलोइंग भी बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की ही तरह है। साउथ में इनके नाम से ही फिल्म सुपरहिट हो जाती है। अगर इनकी पिछली 5 फिल्मों के बारे में बात की जाए तो इन फिल्मों में ब्रह्मोत्सव है जो साल 2016 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में काजल अग्रवाल और सामंता रुथ प्रभु भी नजर आई थी, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। इसके बाद साल 2017 में महेश बाबू की फिल्म स्पाइडर रिलीज हुई थी, इस फिल्म में उनके साथ रकुल प्रीत सिंह भी नजर आई थी, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इसके बाद साल 2018 में महेश बाबू की फिल्म भारत आने नैनू रिलीज हुई थी, इस फिल्म में महेश बाबू के साथ कियारा आडवाणी भी नजर आई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। साल 2019 में महेश बाबू की फिल्म महर्षि रिलीज हुई थी, इस फिल्म में पूजा हेगड़े भी नजर आई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। गैस साल 2020 में महेश बाबू की फिल्म सरीलेरू निकेव्विरू रिलीज हुई थी, इस फिल्म में महेश बाबू के साथ रश्मिका मंदना भी नजर आई थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। दोस्तों अब अल्लू अर्जुन और महेश बाबू की पिछली 5 फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बात करें अल्लू अर्जुन के बारे में तो अल्लू अर्जुन की फिल्म रुद्रमा देवी ने बॉक्स ऑफिस पर 96 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके अलावा सराय नोडू ने बॉक्स ऑफिस पर 129 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसके बाद डीजे रिलीज हुई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। इसके बाद ना पेरू सूर्या ने 140 करोड़ रुपए की कमाई की थी। अल्लू अर्जुन की आखिरी फिल्म अला वैकुंठ पुरमुलो ने 250 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और इन 5 फिल्मों का कुल कलेक्शन 735 करोड़ रुपए होता है। बात करें महेश बाबू की तो महेश बाबू की फिल्म ब्रह्मोत्सव ने 63 करोड़ रुपए की कमाई की थी, स्पाइडर 113 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही थी, इसके अलावा भारत आने नैनू ने 241 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, इसके अलावा महर्षि 175 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही थी और महेश बाबू की पिछली फिल्म सरीलेरू निकेव्विरू ने 260 करोड़ रुपए कमाए थे। गैस महेश बाबू की इन 5 फिल्मों का कुल कलेक्शन 852 करोड़ रुपए बनता है। अल्लू अर्जुन और महेश बाबू की पिछली 5 फिल्मों के कलेक्शन को देखकर ये कंक्लूजन निकलता है कि महेश बाबू अल्लू अर्जुन से काफी आगे चल रहे हैं। जहां अल्लू अर्जुन की पिछली 5 फिल्मों का कुल कलेक्शन 735 करोड़ रुपए है, वहीं महेश बाबू की पिछली 5 फिल्मों का कुल कलेक्शन 852 करोड़ रुपए होता है। अल्लू अर्जुन और महेश बाबू में से आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।